आपने कितनी ज़्यादा चीज़ें अभी तक सीख ली हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और साथ साथ ना सिर्फ अपने आप के लिए प्राउड महसूस करें, बट देखें कि आप जैसा इंसान जो ये कोर्स ले रहा है हमारे साथ, वो कैसे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। यू विल बी सक्सेसफुल इफ पीपल अराउंड यू आर सक्सेसफुल, और हम लोग जिन्होंने सक्सेस से कुछ थोड़ा बहुत सीखा, हम आपके साथ चलना चाह रहे हैं, आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, विच इज अबाउट एडिंग ए न्यू प्लगइन। अभी तक हमने आपको सिखाया कि प्लगइन्स, आप कैसे कैसे नए प्लगइन्स को दरियाफ्त कर सकते हैं, कैसे कैसे नए प्लगइन्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू वर्डप्रेस, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्लगइन्स। क्यों? क्योंकि वर्डप्रेस इज यूज्ड बाय 30% ऑफ द एंटायर इंटरनेट, जिसका मतलब है कि इतना बड़ा एक इकोसिस्टम है जो वर्डप्रेस के इर्द गिर्द एग्जिस्ट करता है। व्हाट आर प्लगइन्स एग्जैक्टली? जिस तरह थीम्स लेट यू चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ वेबसाइट, वैसे ही प्लगइन्स लेट यू चेंज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर वेबसाइट। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको प्रीवियस लेसन में बताया था कि प्लगइन्स, ये जो लफ्ज़ है प्लगइन, ये निकला है प्लग से। तो जिस तरह आप एक सॉकेट में एक प्लग लगाते हैं, वैसे ही प्लगइन्स अलाउ यू टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट। प्लगइन्स आर बिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर विच कैन एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट, एंड देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फ्री प्लगइन्स आउट देयर जो कि वर्डप्रेस के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ देयर आर पेड प्लगइन्स विच आर आउट देयर एज वेल, और ये सारे अवेलेबल है वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पे। वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पे जाके आप इन प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और इन प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं, बट साथ ही साथ आप कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी जाके प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग प्लगइन्स, क्योंकि अगर आप कोई गलत प्लगइन, कोई फेक प्लगइन, कोई स्पैम प्लगइन या कोई वायरस वाला प्लगइन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, योर साइट कैन गेट हैक्ड एंड योर साइट कैन गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। तो जिस तरह आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, हमें सबको पता है, वैसे हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ वर्डप्रेस के प्लगइन्स वैसे डाउनलोड ना करें, बिकॉज दीज प्लगइन्स कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर योर वेबसाइट। सो प्लगइन डाउनलोड करने के लिए वी सजेस्ट दैट यू यूज़ द वर्डप्रेस रिपॉजिटरी, वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको यूज़ करें और वहां से प्लगइन्स को डाउनलोड करें। ट्राई टू एब्जॉर्ब द नॉलेज वी आर ट्राइंग टू गिव यू, यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग इकोसिस्टम। और मुझे पता है कि जब आप मुझे अपनी कुर्सियों पे बैठ के, अपने लैपटॉप्स पे, कोई बेड पे बैठ के शायद इसको सुन रहा हो, कोई चलते हुए सुन रहा हो, कोई बैठे हुए सुन रहा हो, प्लीज टेक एन एक्शन, फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि आप जो सीख रहे हैं यहाँ से, इसको आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए कैसे यूज करेंगे। लेट्स गेट बैक टू प्लगइन्स अगेन। आपके कुछ क्वेश्चंस जो बार बार हमें सुनने को मिलते हैं और हमें बार बार उनका जवाब देने का बड़ा मजा आता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ लर्निंग, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ये हैं कि आर देयर एनी पेड प्लगइन्स, क्या कोई ऐसे प्लगइन्स हैं जो कि पेड हैं? डेफिनेटली देर आर प्लगइन्स आउट देयर जो कि पेड हैं। हम आपको सजेस्ट नहीं करते कि आप इन प्लगइन्स को यूज करें, बिकॉज दीज प्लगइन्स माइट बी एक्सपेंसिव, और आप अपनी इस जर्नी में चूंकि अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू आइदर वॉन्ट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू आइदर वॉन्ट टू बिकम अ फ्रीलांसर, और यू वॉन्ट टू बिकम अ स्मार्ट वर्कर, टेक योर टाइम, ट्राई सम ऑफ द फ्री प्लगइन्स आउट देयर एंड देन गो टू द पेड प्लगइन्स। How many plugins should I install my website? भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कितने plugins आप करना चाह रहे हैं, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये plugins install क्यों करना चाह रहे हैं। क्या ऐसी functionality है आपकी website में जिसको आप add करने के लिए you want to install new plugins? But be careful, because the more plugins you install, आपकी site की उतनी ही resources साथ साथ use हो रही होती हैं। So be careful while installing plugins, and ये नहीं है कि आप जितने मर्जी प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें, बी वेरी केयरफुल, देखें कि किस प्लगइन की वाकई ज़रूरत है, एंड बेस्ड ऑन दैट ऐड दैट प्लगइन। हाउ कैन आई फाइंड द बेस्ट प्लगइन फॉर अ सर्टेन फंक्शनैलिटी? गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड।
बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि प्लग इन ऐड कैसे करते हैं. हमने आपको बताया, हमने आपको सिखाया भी, बट वी वॉन्ट टू रीट प्लग इन्स कैन बी एडेड इन टू वेज. हमने एक तरीका तो आपको बताया है कि आप प्लग इन्स के सेक्शन में जाके यू कैन सर्च फॉर योर प्लग इन एंड यू कैन ऐड फ्रॉम देयर. बट हमने आपको ये नहीं अभी तक बताया कि आप प्लग इन अपलोड भी कर सकते हैं. सो अगर आपको कोई कस्टम प्लग इन की फाइल मिलती है, यू कैन जस्ट एड इट टू योर वर्डप्रेस साइट बाई गोइंग टू द प्लग इन सेक्शन एंड वहां से इंस्टॉलिंग इट फ्रॉम एड न्यू की जो फीचर है जो कि आपके प्लग इन सेक्शन में अवेलेबल. और वहां पे ही आपको नजर आएगा कि कौन से प्लगइन्स एक्टिव हैं, कौन से प्लगइन्स इनएक्टिव हैं और कौन से प्लगइन्स हैं जो वहां पे सिर्फ इंस्टॉल्ड हैं बट यूज नहीं हो रहे या मस्ट यूज हैं. अब हमने जैसा आपको बताया था कि वी विल ट्राई टू ऐड अ न्यू प्लगइन, सो वी विल डू इट लाइव विद यू. दो तरीके हैं, एक बाय गोइंग टू प्लगइन्स सेक्शन एंड क्लिकिंग ऑन ऐड न्यू, जिस पे आप डायरेक्टली वर्डप्रेस रेपो से प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं. द अदर वे इज कि आप प्लगइन की फाइल डाउनलोड करेंगे. So what we'll teach you is first how to download a plugin file. What you will do is you will go to google.com and Google ki site pe jaake you will search for a plugin that you want. So let's say hame yahan pe newsletter ka ek plugin chahiye. Search karenge and we'll go to the plugin website which is wordpress.org aur wahan pe we'll click on download. अब जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि न्यूज़लेटर की एक zip फाइल जो है वो लाइव यहाँ पे डाउनलोड हो रही है. सो इट विल टेक अ फ्यू सेकंड्स बिफोर द फाइल इज़ डाउनलोडेड. जैसे ही ये फाइल डाउनलोड होगी वी विल गो इनसाइड वर्डप्रेस टू इंस्टॉल दिस फाइल. सो हम इस फाइल को यहाँ पे डाउनलोड होने देते हैं. मीनवाइल व्हाट वी विल डू इज वी विल गो टू द प्लगइन्स एरिया और यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें अब आपके पास काफ़ी प्लगइन्स हैं जो अवेलेबल हैं. बट वी वॉन्ट टू एक्चुअली अपलोड अ प्लगइन. सो वही प्लगइन जो अभी हमारे साथ पास डाउनलोड हो गया है उसको हम चूज फाइल करके सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ. आप देखेंगे मैं जैसे ही इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे एक अपलोडिंग का साइन है जो आ जाएगा. सो एज सून एज द प्लगइन इज अपलोडेड इट विल शो यू समथिंग कॉल्ड अनपैकिंग इंस्टॉलिंग and it will say plugin installed successfully. So आप देख सकते हैं कैसे मैंने एक zip फाइल को डाउनलोड करके directly as a plugin उसको मैंने अपलोड किया and then I can click on activate plugin and as soon as I click activate plugin the plugin will be activated. So now you can see the plugin is activated. Plugin जैसे ही एक्टिवेट होगा उसकी एक वेलकम स्क्रीन है और ये ज़रूरी नहीं है हर प्लगइन में इस तरह हो बट कुछ प्लगइन्स में उनकी एक वेलकम स्क्रीन भी है which will take you through a journey of teaching you कि आप plugin को कैसे use कर सकते हैं. So ये plugin मैंने install किया, the newsletter plugin. Now it's showing me a screen. So I can click on next and I can add my details and इसी तरह I can configure the plugin. अगर मैं वापस चला जाऊँ अपने plugins area पे and add new पे तो यहाँ पे I can again add a new plugin. जिस तरह I look for some of the popular plugins. पॉपुलर प्लगइन में मुझे यहाँ पे एक योस्ट SEO बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बड़ा अच्छा लग रहा है, इनको मैं इंस्टॉल करूँगा. और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉलेशन फेल्ड. सो समटाइम्स इट माइट हैपन दैट द प्लगइन इज हैज़ फेल्ड टू इंस्टॉल बिकॉज ऑफ सम रीज़न. तो ये भी अच्छा है कि आपको यहाँ पे लाइव नज़र आ रहा है कि किस तरह इफ दिस अकर्स यू विल सी अ मैसेज कॉल्ड अपडेट फेल्ड. I can go and I can install WooCommerce. Install का बटन मैं दबाऊंगा और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में this plugin will install to my site and then I can just activate it and it's ready to use. Plugins का फ़ायदा हमने आपको ऑलरेडी बताया, they add new functionality to your website. So try to find the plugin that works best for you and based on that install that plugin, use that plugin, plugins को use करें, ट्राई करें ताकि आप अपनी साइट में नई से नई तरह फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें.